पापड़ पनीर कुरकुरे रोल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में तो बहुत ही इजी है। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पापड़ पनीर कुरकुरे रोल। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। आज की रेसिपी के लिए मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है, फ्रेश वाला पनीर लेना है। साथ ही में मैंने 3 बड़े चम्मच यहाँ मैदे के लिए हैं। यहाँ पर मैंने 4 जो हैं पापड़ लिए हैं इस तरह से। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया चॉप करके लिया है। 1 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स के लिए हैं। 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया है। 1 चम्मच जीरा लिया है। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे और ऑयल हमें यूज़ होगा थोड़ा सा इन्हें शैलो फ्राई करने के लिए। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पापड़ को बिल्कुल बारीक हमने इसका चूरा करना है। तो या तो आप इसे मिक्सर में डाल के इसे दरदरा पीस लो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, सीज़र के साथ भी कट कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, मैं सीज़र के साथ थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मिक्सर में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा चूरा भी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बारीक बारीक इसे कट करके और फिर यहाँ से ऐसे कट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बारीक इस तरह से हमें चाहिए। तो आप मिक्सर में कीजिए या फिर सीज़र के साथ इस तरह से कीजिए। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, सारे पापड़ का कटिंग कर लेती हूँ और फिर हम आगे की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने 2 पापड़ को ही अब फिलहाल किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी के 2 पापड़ भी बाद में यूज़ कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से, आप देख सकते हो, इस तरह से बारीक टुकड़े किए हैं। ये हो गया है और अब हम लेते हैं पनीर, उसे भी ग्रेट कर लेते हैं। पनीर को हमें यहाँ ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से हम बारीक वाली जो होती है ना ग्रेटर, उसी को यूज़ करेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो स्नैक है बन सके। तो मैं सारे पनीर को ग्रेट कर लेती हूँ। पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है तो इसमें अब मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ, चाट मसाला भी इसमें डाल देती हूँ, जीरा, 1 हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक हम यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम इसे पापड़ से कोट करके बनाने वाले हैं। हमने चाट मसाला डाला है जिसमें नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी आप पहले थोड़ा ही डालिए। इसे मिक्स करके देख लीजिए, अगर आपको लगे कि ये इसमें नमक कम है तो आप ऊपर से और डाल सकते हो। तो अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही प्रोटीन रिच डिश है ये फ्रेंड्स। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें से अब एक बाइंडिंग हो सकती है। देखिए ये थोड़ा स्टिकी हो गया है, तो इसे आप जिस मर्जी शेप में इसका आप स्नैक बना सकते हो। हाथों में पहले इसे दबाते हुए हम उसे एक बॉल शेप दे देंगे ताकि पनीर पूरा स्टिक हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हथेलियों पर रोल करके यहाँ से थोड़ा सा हम उसे प्लेन कर देंगे और इस तरह के शेप के मैं आज अपने स्नैक को बना रही हूँ। इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारे स्नैक्स को तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारे स्नैक रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन्हें कोट करने के लिए एक स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच मैदे के लिए हैं, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी, 1-2 पिंच के करीब। पानी डाल के हम इसका एक घोल बना लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे काफ़ी थिक रखा है, ये ज़्यादा पतला नहीं बनाया है। तो ये हो गया है रेडी। तो चलिए अब इसे हम कोट करेंगे। साथ ही में हमने जो ये पापड़ बना के रखे हैं, जो हमने छोटे छोटे इसके बिल्कुल पीसेस किए हैं, ये भी ले लेते हैं और इन्हें अब हम कोट करते हैं। कोट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्नैक बनाया है इसे हम इस स्लरी में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से इसे टिल्ट करके इस तरह से रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो है इस पे स्लरी जो है निकल जाए और इसे हम डाल देंगे पापड़ वाले। और आपके हाथ जो हैं ज़्यादा वेट नहीं होने चाहिए, अगर गीले होंगे तो क्या होगा, वो ठीक से लगेगा नहीं। और हम इसे इस तरह से पूरा रोल कर लेते हैं कि ऊपर जो है सारे तरफ ऊपर और साइड्स में पूरी तरह से इसके ऊपर पापड़ जो है लग जाए। अच्छे से लगेगा तभी फ्राई होने के बाद ये स्नैक जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमारा पनीर कुरकुरे जो है इस तरह से तैयार हो गया है। तो चलिए इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, बाकी भी सारे कोट कर लेती हूँ।
इस तरह से हमने सारे पनीर कुरकुरे रेडी कर ली हैं, सबको हमने कोट कर दिया है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, हम फ्लेम को क्या करेंगे, थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। एक एक करके सारे हम स्नैक्स अपने डाल देते हैं कढ़ाई में, और इस तरह से मैं क्या करूँगी, ऑयल इनके ऊपर डालती जाऊँगी ताकि ये हर तरफ से फ्राई होते जाएँ। और पापड़ होने के वजह से हमारा जो ये स्नैक है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, और इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है पनीर कुरकुरे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। टर्न कर लेते हैं हम, और इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। यहाँ पर पनीर कुरकुरे हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं और इस तरह से हम अपने बाकी के स्नैक को भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी अपने स्नैक्स को तैयार कर लेते हैं। गर्मा गर्म पापड़ पनीर कुरकुरे रोल को मैंने केचप के साथ सर्व कर दिया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।